हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फैंटेसी। यहाँ पे हम 11th क्लास की यूनिट नंबर 3 कर रहे थे, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पेरिओडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अपने लास्ट लेक्चर में हमने जो अपना जो पीरियोडिक टेबल था, उस पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया था एस पी डी एंड एफ ब्लॉक में। हमने इसमें डिवाइड किया था एंड फिर हमने क्या किया, एक एक ब्लॉक की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उस करेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से हमने यहाँ पे क्या किया हुआ था, रीड किया हुआ था। अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे कि इसमें आज जो हमने करना है वो ये भी है कि जो आपका जो एलिमेंट है उसको क्लासिफाई किया गया है 3 तरीके से, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। आपका जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उसमें आपके ये एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए और क्या है आपके मेटलॉइड्स हैं। 3 कैटेगरीज में इनको क्लासिफाई किया गया हुआ है। ये आपके जो मेटल्स होते हैं, जो एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स होते हैं लेफ्ट साइड वाले होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो राइट हैंड साइड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, एंड उसके बाद जो आपके मेटलॉइड्स होते हैं वो बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स आपके 6 to 7 एलिमेंट्स होते हैं। जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की करेक्टरिस्टिक रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। समटाइम्स दे आर आल्सो नोन एज सेमी मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या हैं और इनकी करेक्टरिस्टिक क्या है, ये मैंने आपको सारा जो है फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में करा रखा है। तो होप सो आप ये सारा वहाँ से करेंगे। अब जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कर रहे थे, हमने देखा था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो हेनरी मॉज़ले ने दिया था, उसके बाद बोहर ने उसमें थोड़ी सी करेक्शन की थी और वो आपका बोहर का लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल आपका बोला जाता है। तो उस जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल का एडवांटेज क्या है कि हमें वो पीरियोडिक टेबल मिला, एडवांटेज क्या है। तो पहला एडवांटेज क्या है कि जो आपके उसमें एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स आपके अरेंज हैं, वो एलिमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाव पे क्या है, अरेंज है। अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाव पे जो है वो अरेंज हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक साथ आ जाती हैं, क्योंकि हमने कॉजेज ऑफ पेरिओडिसिटी पढ़ा हुआ था कि जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एक जैसी होती है वो होते हैं, उनमें एक जैसी प्रॉपर्टीज़ होती है और वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो इस तरह से अच्छे से उनको सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। दूसरा, इस तरह से सीक्वेंस होने की वजह से दे आर इजी टू रिमेम्बर, हम उनको अच्छे से जो है वो याद करके रख सकते हैं, हर एक एलिमेंट का जो है वो क्रैमिंग करने की जो है वो नीड नहीं होती है। तीसरा ये भी है कि जो आपके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एक जैसी हैं, तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट हैं प्लेस इन द सेम ग्रुप, उनको हमने क्या किया हुआ है, सेम ग्रुप में रखा हुआ है। तो आपको हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ क्या करोगे कि उस ग्रुप के एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद नियरली सारी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वहाँ पे आती हैं। एक सिक्वेंशियल स्टडी यहाँ पे हमें मिलता है एंड लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो आपके ट्रांजिशन सीरीज़ हैं, जिनको आप जिनके लैंथेनम और एक्टिनम से या इनर ट्रांजिशन सीरीज़ हैं उनको भी अच्छे से एक सिक्वेंशियल जो ट्रांजिशंस एलिमेंट्स हैं उनकी भी एक सिक्वेंशियल स्टडीज़ वहाँ पे हमें प्रोवाइड की गई है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बहुत सारी हमारे पास जो है वो एडवांटेजेस हैं कि एलिमेंट को एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज होने में कि हम जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं न्यू एलिमेंट के, जो हमारे पास न्यू एलिमेंट्स आता है वो न्यू एलिमेंट्स के लिए हमें ये है कि नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन या इतने प्रोटॉन होंगे और उस तरह से उसको आप लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हो। तो ये जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल था हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये सारी इसकी एडवांटेज थी। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किया लॉन्ग फॉर्म, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। यस, इसके हमारे पास कुछ डिसएडवांटेज है। सबसे पहले पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, अभी भी हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो क्या है, कंट्रो में है, यानी कि कंट्रोवर्सियल है। यहाँ पे कंट्रोवर्सियल क्यों है, क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन है वो ग्रुप 1, जिसको आप क्या कहते हो अल्कली मेटल्स, उन अल्कली मेटल्स के साथ हमने ग्रुप 1 को क्या किया हुआ, रखा हुआ है। बट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ग्रुप नंबर 17 से भी मैच कर रही हैं, क्योंकि इसमें क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। एंड सेकेंड जो है वो यह है कि जो आपके लैंथेनॉइड्स हैं
एंड जो आपके एक्टिनोइड्स हैं, लैंथेनोइड्स और कौन से हैं, जो आपके एक्टिनोइड्स हैं उनको आपके मेन फ्रेम प्रोडक्ट टेबल में कोई प्लेस नहीं मिला है। मेन फ्रेम में जो प्रोडक्ट टेबल है वहाँ पे उनको कोई भी प्लेस नहीं गिवन किया गया है। ये वाली तो आपकी जो है मेंडलीव की प्रोडक्ट टेबल में एज इट इज थी, उनको हमने क्या किया हुआ है कि लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स को जो आपका प्रोडक्ट टेबल है उसके नीचे जो है बिल्कुल बेस में हमने दोनों को क्या किया हुआ है, पुट किया हुआ है। तो ये आपकी दो डिसएडवांटेज हैं मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल की। वन इज द कॉन्ट्रोवर्शियल पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड सेकेंड इज द पोजिशन ऑफ लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स बिलो द मेन फ्रेम ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। ये दो डिसएडवांटेज हैं जो प्रोडक्ट टेबल में अभी भी प्रेजेंट हैं एंड आने वाले टाइम में यू कैन ऑल्सो सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रेडिक्शन ऑफ, प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है पता लगाना, प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट जो है वो गिवन है तो उस एलिमेंट का ब्लॉक कैसे पता चलेगा, पीरियड कैसे पता चलेगा, ग्रुप कैसे पता चलेगा, वो हम यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उसके ब्लॉक की। तो ब्लॉक निकालने के लिए क्या है, द सबसेल विच रिसीव लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि जब हम क्या करेंगे जो एलिमेंट्स होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लेट सपोज कि मैंने सोडियम लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 है एंड मैं यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगी 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके, तो जो ब्लॉक होगा ब्लॉक किसके करस्पॉन्ड होगा, सब सेल विच रिसीव्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे होंगे उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालते समय जो सब सेल आपके सब सेल कौन से हैं, एस पी डी एंड एफ, ये है ना, और इन्हीं के बिहाफ पे आपने क्या किया था जो प्रोडक्ट टेबल था उसको एस पी एंड डी और एफ ब्लॉक में डिवाइड किया था कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो जिस ब्लॉक मतलब सब सेल में जाएगा वो उससे ब्लॉक का होगा। तो सेम वैसे उसका रिवर्स है कि हमने अगर किसी एलिमेंट का ब्लॉक पता करना है तो हम देखेंगे कि कौन से सब सेल में उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है सोडियम का वो एस सब सेल में रिसीव हो रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एस ब्लॉक एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड हमने बात करनी है पीरियड। तो किसी भी एलिमेंट का जो पीरियड होता है, पीरियड इज कोरस्पॉन्ड टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है एज जैसे आपको जो मेन सेल जिसके बारे में पता चलता है तो ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के होता है। जैसे आप यहाँ पे ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट सेल है वो क्या है, थर्ड है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है यहाँ पे जो है वो अभी थर्ड सेल का है। तो मतलब ये जो सोडियम है वो थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, थर्ड पीरियड में। यानी कि जो आपका पीरियड होगा वो कोरिस्पोंडेंस टू होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हो, उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के करस्पॉन्ड आपका जो एलिमेंट होगा उसका जो है वो पीरियड होगा। थर्ड हम बात करते हैं ग्रुप की। हमें कैसे पता चलेगा कि एलिमेंट का ग्रुप क्या है, तो जो ग्रुप होता है ग्रुप डिपेंड करता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे, या फिर जो है आपका जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको वैलेंस सेल कहते हो, या हम कहते हैं जो पेनल्टीमेट शेल होता है। अब ये पेनल्टीमेट शेल क्या होता है ये मैंने आपको बता रखा है बेटा। पेनल्टीमेट शेल होता है एन माइनस वन सेल, यानी कि जैसे मेरे पास यहाँ पे 4s चल रहा है तो n माइनस वन क्या होगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 4 और 1 करोगे तो यहाँ पे आपका जो भी 3 वाला सेल होगा d वाला। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें जो है अब ये आपका ग्रुप जो है करस्पॉन्डेंस होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर जो पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेनल्टीमेट शेल क्या है, जो मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चल रहा होगा उससे जो एक लेस वाला सेल है, लाइक अगर मेरे पास फोर्थ क्वांटम नंबर चल रहा होगा तो जो थर्ड वाला सेल होगा उसको हम क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। ऐसे एक और पीछे जाएंगे तो वो आपका क्या होता है, एंटी पेनल्टीमेट शेल यहाँ पे आपका होता है।
तो यहाँ पे अगर हमने ग्रुप निकालना है तो ग्रुप नंबर जो है वो वेलस इलेक्ट्रॉन और पेनल्टीमेट सेल के जो होता है करस्पॉन्ड होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो है दो तरह के, जैसे हम बात करते हैं तीन तरह के हैं। एस ब्लॉक है कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाला और जो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबसेल में एंटर हुआ, तो एस ब्लॉक के लिए जो मेरे पास ग्रुप नंबर होगा दैट ग्रुप नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ वेलस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो ग्रुप नंबर होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, अगर एस ब्लॉक आता है मींस आपका यहाँ से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस में एंटर करता है। सिमिलरली अगर मेरे पास जो होगा, जो मेरा एलिमेंट है वो पी ब्लॉक में आता है, देन जो मेरे पास ग्रुप नंबर होगा वो ग्रुप नंबर इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 प्लस का मतलब हमने 10 लगा देना है और 10 के आगे जो उसके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कर देना है, ऐड कर देना है। उसके बाद अगर हमारे पास जो ब्लॉक आता है वो क्या आता है, डी ब्लॉक आता है। क्या आता है, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में जो आप ग्रुप नंबर निकालोगे, ग्रुप नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का मतलब जो एन सेल होगा प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस वन सेल। ओके, तो इसमें जो आपका ग्रुप नंबर डी ब्लॉक में निकलेगा वो डी ब्लॉक में ऐसे निकलेगा कि आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट सेल की हैं वो यानी कि एंथ सेल वाले प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एन माइनस वन सेल। तो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताई हैं कि हम कैसे जो है वो ब्लॉक निकालेंगे। ब्लॉक निकालने के लिए हमें देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सबसेल में रिसीव होता है, एंड आफ्टर डैट हमने जो है वो पीरियड निकालना है। पीरियड जो होता है करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, और जो आपका ग्रुप होगा वो आप एस ब्लॉक के लिए जो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, पी ब्लॉक के लिए 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड जब डी ब्लॉक की बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एन माइनस वन सेल। तो इस तरह से हम जो है इसको करेंगे। अब हम इसमें से कुछ एग्जाम्पल जो है वो करके देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हमें बोला गया, आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी चीज का, जो एटॉमिक नंबर होता है उस एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बोला गया कि कोई भी एलिमेंट है जिसका जेड की वैल्यू क्या है 12 है, या फिर बोला गया जेड की वैल्यू क्या है 13 है, या फिर बोला गया जेड की वैल्यू 21 है, 12 13 21 कोई भी ले सकते हैं। जेड की वैल्यू क्या है 12 और 13 बोल दो, और क्या बोल दो 21 बोल दो। हमने क्या करना है, इनका ब्लॉक भी निकालना है, इनका पीरियड भी निकालना है, इनका ग्रुप भी निकालना है। आपसे एलिमेंट का नाम नहीं पूछा गया, वैसे तो एलिमेंट का नाम आपको पता होना चाहिए, बट फिर भी यहाँ आपसे एलिमेंट का नाम नहीं पूछा गया है। सिर्फ ये बताया है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका नंबर 12 है 13 है या 21 है वो कौन से ब्लॉक का होगा, कौन से पीरियड का होगा एंड कौन से ग्रुप का होगा। तो उसको करने के लिए आप सबसे पहले क्या करो, जैसे हमने कहा कि जेड जो है वो 12 है, तो जिसका जो एटॉमिक नंबर 12 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, काउंट कर लो 6 2 8 2 10 एंड 2 12, ये हो गया। अब यहाँ पे बेटा हम बात करेंगे कि हमें ब्लॉक का कैसे पता चला। ब्लॉक मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक निकालने के लिए हमने ये देखना है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सबसेल में एंटर करता है। तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबसेल में एंटर करता है, मींस यहाँ पे ब्लॉक क्या आ गया, एस ब्लॉक। यानी कि जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 12 है वो एस ब्लॉक से क्या करता है, बिलोंग करता है। ओके, फिर हमने एक बात करी कि हम पीरियड्स निकालेंगे कि कौन से पीरियड में है, तो पीरियड करस्पॉन्डेंस टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और या आपको पीरियड निकालने के लिए देखना है उसमें सबसे हाईएस्ट वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो क्या है आपका 3, तो ये क्या है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप निकालने की। तो ग्रुप निकालने की जब बात हुई थी तो एस वाले केस में हमने क्या कहा था कि जो ग्रुप नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल होता है, जो सबसे बाहर वाला सेल होता है उसको हम वैलेंस सेल बोलते हैं, और उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पे सबसे आउटर मोस्ट सेल क्या है, थर्ड है, और थर्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टू है, यानी कि इसका ग्रुप नंबर क्या होगा आपका, टू। तो यानी कि जो एलिमेंट, जिस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है, वो एस ब्लॉक का है, थर्ड पीरियड का है एंड सेकेंड ग्रुप का है, आप इसको प्रोडक्ट टेबल से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकेंड नेक्स्ट बात करते हैं, वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 30। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। हमने यहाँ पे ऐसे कर लिया। अब इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आप बताओ कौन से ब्लॉक में आएगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन p में एंटर कर रहा है, इसलिए इसका ब्लॉक क्या होगा, p। ठीक है, अगर हम पीरियड की बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका कितना आ रहा है, आउटर मोस्ट सेल थर्ड, तो थर्ड पीरियड का है। हाँ, अब हम इसकी बात करेंगे ग्रुप की। सो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एलिमेंट पी ब्लॉक में आता है तो उसका ग्रुप नंबर निकालने के लिए 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 करना है, और यहाँ पे हमने 10 लिखा प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे ये तीन सेल है, फर्स्ट सेल है, यहाँ पे ये सेकेंड सेल है और ये थर्ड सेल है। तो आउटर मोस्ट सेल क्या है, ये थर्ड सेल है, थर्ड सेल में 3s है और 3p है, एंड 3s कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3p कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 + 1, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 3 है, तो इसको आप यहाँ पे ऐड कर दोगे तो कितना हो गया, 30। यानी कि एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 13 प्रेजेंट इन द पी ब्लॉक थर्ड पीरियड एंड 13th ग्रुप। तो इस तरह से आप पी ब्लॉक का यहाँ पे निकालेंगे। नाउ हमारे पास एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 21 का, हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। ऐसा आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी सही है या गलत है, तो आप ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको काउंट कर लो, 6, 4, 10, ठीक है, 12, 18, 19, 20 एंड 1, 21। सो 21 का निकाल देते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं ब्लॉक की बात, ब्लॉक की बात करते हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी में जा रहा है, 3d1 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, मतलब कि ये जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। फिर हम बात करते हैं पीरियड का, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, जो मेन शेल है, देखो 1 है, 2 है, 3 है, फिर 4 है, तो सबसे बड़ा सेल कौन सा है, 4, तो ये आपका 4th पीरियड का हो गया। अब हम बात करते हैं ग्रुप की, ग्रुप निकालने के लिए, अब ये डी ब्लॉक में आ गया ना, तो डी ब्लॉक पे ग्रुप निकालने के लिए आपने एन एस वाले इलेक्ट्रॉन और एन माइनस वन डी वाले इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। तो एन एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 1 है, तो टोटल कितना आ गया, 3। मीन्स कि एटॉमिक नंबर 21 के साथ जो आपका एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है वो आपका थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, डी ब्लॉक, फोर्थ पीरियड एंड थर्ड ग्रुप। बेटा यहाँ पे मैंने आपको एस पी डी जो है तीनों का एक एक एग्जांपल लेके यहाँ पे समझा दिया है कि आप किस तरह से इन तीनों का जो है वो प्रिडिक्शन करोगे, ब्लॉक का, पीरियड का, ग्रुप का। जो आपका एफ ब्लॉक है उसके कैसे कैलकुलेट करने हैं वो बियॉन्ड द सिलेबस है, वो हम बाद में करेंगे जब हायर क्लासेस में जाओगे। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ ये है कि अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का है या डी ब्लॉक का है, तो उनका हमने कैसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब जो है हम इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वो डाउट मेरे से ले लीजिएगा, किसी भी टाइप से जैसे आपको अच्छा लगे, इसको अंडरस्टैंड करिएगा, इसमें से क्वेश्चन जो है वो पेपर में आपका आता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे एक टॉपिक करेंगे, एटॉमिक एंड प्रोडिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक एंड प्रोडिक प्रॉपर्टीज होती क्या है, सो ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपकी डायरेक्टली आइदर इनडायरेक्टली, कोई भी प्रॉपर्टीज जो आप डायरेक्टली बात करोगे या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, और प्रोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करो, आइदर टॉप टू बॉटम मूव करो, टॉप टू बॉटम का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप में मूव करो, तो वो क्या करती हैं, ग्रेडेशन शो करती हैं। ग्रेडेशन का मतलब वो चेंजेस शो करती हैं
कि इंक्रीज कर रही या डिक्रीज कर रही, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, पेरियोडिक प्रॉपर्टीज। यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो डायरेक्टली आइदर इनडायरेक्टली जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती हैं, और प्रोडक्ट टेबल में लेफ्ट टू राइट या फिर टॉप टू बॉटम मूव करने पे ग्रेडेशन शो करती हैं, चेंजेस शो करती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। यहाँ पे जो आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करनी है वो काफ़ी सारी हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक बार बता दूंगी आपको क्या करना है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई करनी है आपको, जो एटॉमिक और आयनिक रेडियस होती है एलिमेंट्स की वो करनी है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद आपने इलेक्ट्रॉन गेन इनथेरेपी भी करनी है। वन बाई वन इसको जो है डिस्कस करेंगे अभी। इलेक्ट्रॉन गेन इनथेरेपी भी करनी है आपने, और इलेक्ट्रॉन गेन इनथेरेपी के बाद आपको आयनाइजेशन इनथेरेपी भी करनी है। तो ये मेन जो है आपकी, जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ये चार प्रॉपर्टीज हैं, एटॉमिक और आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन इनथेरेपी होगी, एंड आयनाइजेशन इनथेरेपी। लेट वी डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई से। सो आपको अगर बोला जाता है कि व्हाट इज द रेडियस, तो रेडियस जो है बोलते ही माइंड में एक सर्कल आता है, एंड हम इजिली एक्सप्लेन करते हैं कि ये हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल के सेंटर से जो सर्कल फ्रांस तक की डिस्टेंस होती है दैट इज द रेडियस। या यू कैन ऑल्सो सो कि ये जो डायमीटर है इसका जो हाफ है दैट इज द रेडियस, हम यही कहते हैं। तो आप कोई भी एटम सपोज करो, एटम की रेडियस क्या होगी, कि अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की, इसकी बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। अब ये जो आपके पास एटॉमिक रेडियस होती है, वो एटॉमिक रेडियस एक्चुअल में होती क्या है? तो बेटा आपकी पहली एटॉमिक जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी क्या है, एटॉमिक रेडियस। अब मैंने आपको बता दिया था रेडियस किसे कहते हैं। सो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर दो जो बॉन्डेड एटम है, दो एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं, या कोई भी एक सिंगल एटम है, बॉन्डेड की नहीं बात करते पहले सिंगल एटम की बात करते हैं, तो उस सिंगल एटम की सेंटर से जो आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस होगी, यानी कि हम कह सकते हैं सेंटर का मतलब कि जो एटम है उस एटम के न्यूक्लियस से जो उसकी आउटर मोस्ट सेल होगा, उस आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस होगी, उस आउटर मोस्ट सेल के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। इज इट ऐसे ही बोलेंगे इसको एटॉमिक रेडियस, बट एवरी टाइम दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जैसे हम कहते हैं कि जो सर्कल की बाउंड्री होती है वो एक स्पेसिफाइड बाउंड्री होती है, लाइक दिस जो आपका एटम होता है उस एटम की जो बाउंड्री होती है वो बिल्कुल स्पेसिफाइड बाउंड्री नहीं होती है। हम जब एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड का वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, दैट इज नोन एज अ एटॉमिक ऑर्बिटल, हम उसको एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। अब एटम के केस में तो ऐसी कोई स्पेसिफाइड बाउंड्री तो है नहीं, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स की क्लाउड्स पे डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा जो एटॉमिक रेडियस है उसकी डेफिनेशन को चेंज किया, और डेफिनेशन को चेंज करने के बाद बोला कि अगर आपके पास टू जो एटम है वो बॉन्डेड एटम है, तो उन बॉन्डेड का जो एटम होगा उनका जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, बॉन्डेड एटम का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उसका क्या लेना है, हाफ लेना है, और वही आपका क्या होगा, एटॉमिक रेडियस। अब इसको हम थोड़ा सा एक डायग्राम बना के समझेंगे। डायग्राम में क्या गया बेटा, सपोज करो मेरे पास दो बॉन्डेड एटम है इस तरीके से। अब बॉन्ड, जब दो एटम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में ही कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे दो बॉन्डेड एटम लिया, लाइक एटम ए एंड एटम बी। अब इनका एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दो, इंटर का मतलब क्या होता है, इन बिटवीन। तो यहाँ पे आपका जो एक एटम का जो न्यूक्लियस है और दूसरे एटम का जो न्यूक्लियस है दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस वन, इसको हम क्या कहते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा दैट इज द एटॉमिक रेडियस, यानी कि आर जो है रेडियस वो क्या है, डी बाई टू। जो भी आपके दो बॉन्डेड एटम होंगे उन दोनों बॉन्डेड एटम के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो आपका क्या होगा, एटॉमिक रेडियस।
और ये कंसेप्ट जो है वो आपका इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि एटम की जो बाउंड्री होती है वो स्पेसिफाइड नहीं होती, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये आपकी एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन हुई। अब हम बात करते हैं टाइप्स की कि एटॉमिक रेडियस के जो होते हैं वो टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो वैसे जो होते हैं एटॉमिक रेडियस जो होती है वो आपकी एक होती है कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियाई या इसको आप रेडियस भी बोलते हो। कोवलेंट रेडियस के बाद आपकी होती है मेटैलिक, मेटैलिक रेडियस, मेटैलिक रेडियस के बाद आपकी है वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल रेडियस। एंड लास्टली जो है हम बात करते हैं वो इनर्ट गैस रेडियस होती है, बिकॉज इनर्ट गैसेस में जो इनर्ट का मतलब क्या होता है, इनर्ट का मतलब जो गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती हैं, तो इनर्ट गैस रेडियस हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोवलेंट रेडियस की। तो कोवलेंट रेडियस में आपको पता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है दैट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, ठीक है। तो जो आपके कोवलेंटली बॉन्डेड एटम होते हैं इन दोनों कोवलेंटली बॉन्डेड एटम का जो हाफ होता है दैट इज द कोवलेंट रेडियस, यानी कि ये इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस हो गई डी और इसका जो टू वो आपका क्या होगा आर, आपका कोवलेंट हो गया, ये आपका कोवलेंट रेडियस हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी मेटैलिक रेडियस की जो सेकेंड वाली है। तो आपको पता है कि आपके पास जो मेटैलिक बॉन्ड होता है उस मेटैलिक बॉन्ड के अंदर जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आपके फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स को क्या करते हैं, बाउंड करते हैं। वहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल होता है उसको कर्नल्स बोलते हैं, उसको बाउंड करते हैं। तो वहाँ पे आपका मेटैलिक रेडियस का कुछ ऐसा आएगा, तो उस टाइम जो मेटैलिक बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में तो उनके इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस का जो हाफ होता है ये चीज़ आपकी क्या है, ये इनकी आपकी मेटैलिक रेडियस होती है उनकी इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस का हाफ। सेम ऐसे हम बात करते हैं वंडरवॉल रेडियस की। तो जो आपकी वंडरवॉल रेडियस है, वंडरवॉल रेडियस क्या होती है, दो आइसोलेटेड एटम्स, नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स होते हैं, उन नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस का जो हाफ होता है उसका हाफ वो आपका क्या होता है वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस के जैसे ही हमारी इनर्ट गैस रेडियस होती है, बिकॉज इनर्ट गैस में जो एटम्स होते हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में होते हैं तो उनकी जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ होगा वो आपका क्या होता है वंडरवॉल रेडियस। अब मैं यहाँ पे यानी कि ये दोनों सेम होंगे, वंडरवॉल रेडियस और इनर्ट गैस रेडियस होंगी, बची क्या आपके पास कोवलेंट, मेटैलिक और वंडरवॉल। तो कोवलेंट रेडियस में शेयरिंग होगी, इस तरह से बनेगा इसका जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो आपकी कोवलेंट रेडियस होगी फर्स्ट वाले केस में, ये आपकी क्या है कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है आपका। फिर मेटैलिक की बात करते हैं, मेटैलिक वाले में इस तरह से जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे से मेटैलिक बॉन्ड बनाएंगे, इनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो आपका क्या होगा मेटैलिक रेडियस, यानी कि यहाँ पे जो मेटैलिक रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर, सिमिलरली यहाँ सेंटर से लेके इधर जो ये आर है और यहाँ से यहाँ तक जो ये आर है, और ये टोटल जो डिस्टेंस होती है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आपकी डी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस क्या है डी है। फिर वंडरवॉल रेडियस में क्या होते हैं, आइसोलेटेड एटम्स होते हैं तो वो थोड़ा एक दूसरे से दूर होते हैं और उनके जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होता है ये चीज़ ये आपकी क्या होती है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेके फिर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये आपकी क्या है वंडरवॉल रेडियस है, ये आपकी यहाँ पे वंडरवॉल्स रेडियस है, ओके ये चीज़ आपकी रेडियस है और ये टोटल क्या है इसकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डी है। तो जो भी आपकी रेडियस होगी वो क्या होगी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या होगी आपकी हाफ होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको जो एटॉमिक रेडियस है उसके थ्री टाइप्स कराए हैं, कोवलेंट रेडियस, मेटैलिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस एंड इनर्ट गैस रेडियस इज द सेम एज द वंडरवॉल रेडियस। अगर हम इन तीनों रेडियस का साइज में कंपेरिजन करें तो देखने से पता चल रहा है कि सबसे बड़ा साइज किसका है वंडरवॉल रेडियस का है, फिर मेटैलिक रेडियस का, और सबसे छोटा साइज किसका है कोवलेंट रेडियस का है। तो अगर हम साइज में कंपैरिजन की बात करते हैं तो ये सबसे छोटा साइज कोवलेंट रेडियस का होता है, फिर मेटैलिक रेडियस का होता है और उसके बाद आपका वंडरवॉल रेडियस का, यहाँ पे ये हम साइज की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे जो हम साइज की बात करते हैं तो अगर आपको कभी भी साइज अरेंज करने के लिए आ गया तो होप सो आप उस साइज को बहुत अच्छे से करके दिखा देंगे
और वहाँ से अच्छे से कर भी लेंगे। अब हम आगे जो डिस्कस करते हैं वो हम आगे ये डिस्कस करते हैं कि ये जो आपकी एटॉमिक रेडियस है, यानी कि जो कोवलेंट रेडियस है, जो मेटेलिक रेडियस है, जो वंडरवॉल रेडियस है, इनका प्रोडिक्ट में पीरियड में क्या जो टेबल है उसमें क्या ट्रेंड चलता है। ट्रेंड की बात करेंगे तभी तो हम जो है ट्रेंड की बात करेंगे तभी हम इनको प्रोडिक्ट प्रॉपर्टीज बोलेंगे, जो रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होंगी, रिपीट होगी। तो हम ट्रेंड्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं ट्रेंड अलोंग द पीरियड। ठीक है, अलोंग द पीरियड का मतलब जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, दैट इज द अलोंग द पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक जो रेगुलर सीक्वेंस चलता है उसमें जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो आपकी एटॉमिक रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस में चाहे आपकी कोवलेंट रेडियस हो, चाहे वंडरवॉल रेडियस हो, चाहे आपकी मेटालिक रेडियस हो, तो जो एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो इट मीन्स कि अगर सपोज करो मैं जो है एक यहाँ पे लिखूँ तो आपका जो प्रोडक्ट टेबल है हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, लिथियम है, बेरेलियम है, फिर आपका बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन, इस तरह से है। तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे ग्रुप वन है आपका, ये ग्रुप नंबर जो है वो आपका 18 है, इस तरह से हम बात करते हैं। तो इट मीन्स कि अगर हम बात करें रिस्पेक्टिव पीरियड में, ये मेरे पास फर्स्ट पीरियड है, ये मेरे पास सेकंड पीरियड, तो रिस्पेक्टिव पीरियड्स में जो ग्रुप वन वाले होते हैं यानी कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल का जो साइज होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है और एल्कली मेटल की जो रेडियस होगी वो सबसे क्या होती है, लार्जेस्ट रेडियस होती है। ठीक है, और इसमें जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो साइज जब डिक्रीज करेगा तो जो रेडियस होगी वो भी डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब जो यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो साइज होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट साइज होगा। नियोन की बेटा हम बाद में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस ये आपका सबसे छोटा साइज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या करता है, डिक्रीज क्यों करता है। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस मैंने लिथियम का लिया, तो लिथियम के न्यूक्लियस के लिए यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज हैं और 3 यहाँ पे न्यूट्रॉन्स हैं और 3 ही सेल होंगी, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, क्योंकि अच्छा सॉरी लिथियम सेकेंड पीरियड में है तो लिथियम के पास जो है वो 2 सेल्स होंगी, या आपकी के वाली सेल होगी या आपकी क्या होगी, एल वाली सेल होगी। जिस टाइम लिथियम होगा उस टाइम फर्स्ट वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाहर वाली सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप निकालो ना, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, क्या हो जाएगा, 1s2 2s1, तो सेकंड में ही जाएगा। अब मैं बात करती हूँ बेरिलियम की, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा आपका, 4 है। तो 4 के लिए यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो 4 हो जाएगा और इसी सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इसी में सॉरी अगर मैं इसको यहाँ पे न्यूक्लियस ले लिया और ये मैंने के सेल ले लिया, ये मैंने एल सेल ले लिया, तो इसी में ऐड होगा। फिर मैं बोरॉन के लिए बात करूंगी तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 प्रोटॉन हो जाएगा, यहाँ पे 1 और रह जाएगा। फिर कार्बन के लिए बात करेंगे, 6 प्रोटॉन 1 और, फिर नाइट्रोजन के लिए बात करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 और इलेक्ट्रॉन इसी में। मतलब कि क्या होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, जिससे यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज करते हैं पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेम सेल में ऐड होता है, सेम सेल में है, यानी कि न्यूक्लियस जो है आपका, इस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस होती है वो सेम रहती है, वो बढ़ तो नहीं रही है, बट यहाँ पे जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस क्या करता है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये तो चार्ज बढ़ता हुआ जा रहा है, इस वजह से क्या करते हैं, इनका साइज क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आउटर मोस्ट सेल को इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं और सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होने से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है और जो साइज होता है वो साइज क्या कर जाता है आपका, डिक्रीज कर जाता है।
जब एलिमेंट का साइज जो है वो डिक्रीज कर गया तो रेडियस भी उसका क्या आएगा, छोटा आएगा। दैट्स वाई प्रोडक्ट टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जो एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब हम सेकेंड पीरियड की बात करते हैं। सेकेंड पीरियड में लिथियम टू बेरिलियम मूव करेंगे, साइज इंक्रीज करेगा। बेरिलियम टू बोरोन, बोरोन टू कार्बन, कार्बन टू नाइट्रोजन, साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे बोला जाए कि हमें एक ट्रेंड लिख के दिखाओ तो हम ऐसे लिखेंगे ना कि सबसे छोटा साइज, सबसे बड़ा साइज लिथियम का है, फिर बेरिलियम का है, फिर बोरोन का है, फिर कार्बन का है, फिर नाइट्रोजन का है। ऑक्सीजन का साइज और छोटा होना चाहिए, पर एक्सेप्शनली क्या होता है, ऑक्सीजन का जो साइज होता है वो आपका क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन से थोड़ा बड़ा हो जाता है, और फिर जो है यहाँ पे छोटा होना चाहिए पर बड़ा हो जाता है। फिर आगे जाते ऑक्सीजन की कंपैरिजन में फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, और फ्लोरीन की कंपैरिजन में नियोन का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि अगर हम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं 1s2 2s2 2p3, और अगर हम ऑक्सीजन की निकालते हैं 1s2 2s2 2p4। यहाँ पे P3 है, हमने यहाँ पे P3 लिया तो 3 का मतलब यहाँ पे P में तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, और P4 का मतलब क्या है कि 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आप ये देख रहे हो कि जो आपका नाइट्रोजन का P है, नाइट्रोजन के P में क्या है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन ऑक्सीजन में यहाँ पे पेयरिंग हो गई। पेयरिंग होने से क्या होता है, अब ये भी इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस वाले पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जो रिपल्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या होगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। नो डाउट यहाँ से जब आप नाइट्रोजन से ऑक्सीजन मूव करते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे रिपल्शन भी होती है। तो जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम कर जाती है, और साइज यहाँ पे क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसलिए नाइट्रोजन की कंपैरिजन में ऑक्सीजन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। फिर आप ऑक्सीजन टू फ्लोरीन जाते हो तो फ्लोरीन में एक और पेयरिंग होगी, वहाँ पे भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा, साथ में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी इंक्रीज करेगी। बट यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ओवरकम कर जाता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन की जो रेडियस होती है वो फिर से या साइज फिर से डिक्रीज कर जाता है। लेकिन जब हम नियोन के लिए मूव करते हैं तो नियोन में साइज जो है वो फिर से स्लाइटली इंक्रीज करता है। उसका रीजन क्या है कि अगर हम नियोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 है, p6 का मतलब p में तीन ऑर्बिटल हैं, और हर एक ऑर्बिटल में क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉन है। पेयरिंग हो गई, पेयरिंग होने का मतलब मैक्सिमम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और वो मैक्सिमम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होता है वो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसको आउटवेट कर जाता है, जिसकी वजह से नियोन का साइज जो है वो बढ़ जाता है। तो इसमें क्या हमने देखा कि नाइट्रोजन की कंपैरिजन में ऑक्सीजन का साइज बड़ा होता है, और यहाँ से फिर फ्लोरीन का डिक्रीज करता है और नियोन का फिर से इंक्रीज कर जाता है, यानी कि जो नोबल गैसेज होती हैं लास्ट में उनका साइज जाकर स्लाइटली क्या करता है, इंक्रीज करता है। इनफैक्ट ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों का जो साइज है ना, दोनों का साइज नाइट्रोजन से बड़ा है, ऑक्सीजन का भी बड़ा है और फ्लोरीन का भी बड़ा हुआ है, मतलब इधर तो साइज जो है वो सारों का जो है वो बड़ा आता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ट्रेंड बताया है कि जब आप अलोंग द पीरियड मूव करते हो तो लेफ्ट टू राइट जो एटॉमिक रेडियस होती है वो डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है वो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, और वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो आपका इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे आपका जो साइज होता है वो डिक्रीज कर जाता है। जो एक्सेप्शंस थी वो मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन आ सकता है व्हाई ऑक्सीजन हैज लार्जर एटॉमिक साइज एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो वहां पे आप लिख सकते हो, या फिर व्हाई द इनर्ट गैस रेडियस इंक्रीजेस स्लाइटली एट द एंड, तो वो भी आप वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अब तो ये थी हमारी अलोंग द पीरियड, ये हमने अलोंग द पीरियड स्टडी कर ली। अब हम बात करेंगे इन द ग्रुप। इन द ग्रुप का मतलब अगर हम इन द ग्रुप की बात करेंगे कि पर्टिकुलर ग्रुप में क्या चेंजेस आते हैं, तो पर्टिकुलर ग्रुप का मतलब क्या हो गया, टॉप टू बॉटम। यानी कि अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे, जैसे हमारे पास ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप की हम बात करते हैं, ग्रुप वन है लीना की रूबी संग
फ्रेंडशिप। तो ये आपका फर्स्ट पीरियड हो गया, ये आपका सेकंड पीरियड हो गया, ये आपका थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड है, सिक्स पीरियड है एंड सेवन्थ पीरियड। तो इसमें क्या होता है बेटा, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं किसी भी ग्रुप में, तो जो आपका एटॉमिक रेडियस होता है ना, चाहे वो एटॉमिक रेडियस हो, वंडर वाल रेडियस हो, किसी भी टाइप का जो रेडियस होता है, वो आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज क्यों करता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करने का मतलब है, जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का है तो उसके पास एक सेल होगा, फिर मैंने लिथियम लिया तो लिथियम सेकेंड पीरियड का है तो लिथियम के पास दो सेल होगा, फिर मैंने सोडियम लिया, सोडियम थर्ड पीरियड का है तो 1, 2, 3 सेल हो जाएंगे, फिर मैंने पोटेशियम लिया, पोटेशियम फोर्थ का है तो उसके पास 4 सेल, 1, 2, 3 और ये क्या होगा, 4 सेल हो जाएगा, रुबिडियम फिफ्थ का है 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 सेल ऐड हो जाएंगे, ऐसे ही ऑक्सीजनियम में 6 सेल। यानी कि जब हम एक जो है ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हर एक पीरियड के लिए एक नया सेल ऐड होता है, तो ये जो एक नया सेल ऐड होता है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल सेल, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल सेल, जो वो आपका क्या होता है, जो साइज होता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब कईयों के माइंड में ये बात आ रही होगी कि हम डाउन द ग्रुप जब मूव करते हैं तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे एटॉमिक नंबर भी तो इंक्रीज करता है, और अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो इट मीन्स प्रोटॉन भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब होगा डाउन द ग्रुप जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है, तो साइज क्यों इंक्रीज कर रहा है? तब तक अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो आपका जो साइज है वो डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे बताई बेटा कि ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल सेल, हर एक लेवल पे एक नया प्रिंसिपल सेल ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो साइज क्या कर रहा है, स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहती हूँ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप इंक्रीज नहीं कर रहा है, यस ऑब्वियस है कि यहाँ पे अगर इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 11 है, इसका जो है वो 19 है एंड इसका जो है आपका जो 37 है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोटोन भी आएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे ये आउटर मोस्ट सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है और बीच वाले सेल में है, ये बीच वाले सेल में भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और आउटर मोस्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आउटर मोस्ट सेल को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, वही क्या होता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। लेकिन क्या होता है, ये रहा आपका न्यूक्लियस और ये रहा आउटर मोस्ट सेल, उस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में ये 3 चार्ज सेल और आ रहे हैं और उनके भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बीच वाले, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चार्ज से आउटर मोस्ट सेल को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अब देखो क्या है, अगर हम साइज डिक्रीज की बात करते हैं तो साइज डिक्रीज सिर्फ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेस पे हो रहा है, और साइज इंक्रीज की बात करते हैं, एक तो हर एक लेवल पे एक नया प्रिंसिपल सेल ऐड हो रहा है, दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको न्यूक्लियस के चार्ज से प्रोटेक्ट किया जाता है, और कौन प्रोटेक्ट करता है, जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इन दोनों के एडिशन से ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है उसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो आउटर मोस्ट सेल पे डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जो आपका साइज होता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। यानी कि पीरियोडिक टेबल में जब हम डाउन द ग्रुप जो है वो मूव करते हैं तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे यहाँ पे जो साइज होता है वो रेगुलरली इंक्रीज करता है। रेगुलरली इंक्रीज करने का जो रीज़न है वो ये है क्योंकि डाउन द ग्रुप एक तो नया सेल ऐड होता है और दूसरा क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, वो स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। मोर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इनके बीच में आएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप घर में इतने सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं और मम्मा आपको डांट रहे होते हैं, कोई आपको प्रोटेक्ट कर लेता है, तो उसने क्या किया, आपकी शील्डिंग कर दी ना, लाइक दैट। तो न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से जो ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोल देते हो, या हम समटाइम उसको क्या बोल देते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी बोल देते हैं। तो ये स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो है जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज कर जाता है, और ये दो फैक्टर हैं जो इसके साइज इंक्रीज को फेवर करते हैं, जिसकी वजह से जो इनका साइज होता है डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता है। अब जब साइज यहाँ पे इंक्रीज करेगा, तो साइज इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ
कि यहाँ पे आपका जो रेडियस है वो भी इंक्रीज करेगा, तो इसलिए डाउन द ग्रुप मूव करने पे किसी भी ग्रुप में जो आपका एटॉमिक रेडियस होता है वो एटॉमिक रेडियस भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। बेटा ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने बहुत सारे लाइक्स दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।